सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक वाटर कैनन के ट्रैक्टर पर कूदते हुए देखा जा रहा है। असल में ये वीडियो अभी चल रहे किसान आंदोलन का है जहां एक युवक पुलिस की लाठियों को पार करके वाटर कैनन पर चढ़ जाता है और फिर उसे बंद कर पास के एक ट्रक पर कूद जाता है। युवक का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो 25 नवंबर का बताया जाता है जब किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली आने के लिए मार्च कर रहे थे और उन पर पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। दरअसल हरियाणा के अंबाला में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाटर कैनन को बंद करने वाले युवक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। इस युवक ने ठंड में किसानों पर पानी की बौछार करने वाली पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर उसे बंद कर दिया था। वीडियो के व्यापक रूप से साझा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस युवक को एक हीरो के रूप में देखा जा रहा है। ट्विटर पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं। रंजन मिस्त्री नाम के एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अंबाला का एक नौजवान किसान पुलिस की लाठियों को पार करके वाटर कैनन पर उसे बंद कर देता है और वापस अपने ट्रैक्टर पर कूद जाता है।